नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बिहार शिक्षक के बीपीएससी के माध्यमिक के विद्यालय शिक्षा क्लास 9 से 10 के एनसीईआरटी के बहुत ही बेहतरीन बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। और ये दोनों बुक दोस्तों किरण पब्लिकेशन का है, सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। और ये बुक दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। पहला बुक दोस्तों यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि एक सेल्फ स्टडी गाइड है जिससे आप खुद से तैयारी कर सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे। दूसरा बुक दोस्तों सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस वर्कबुक है जिसमें आपको ये बताया गया है कि मैं टोटल क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे और प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कंप्लीटली एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया गया है। 80 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के, 40 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के, टोटल 120 क्वेश्चन इस बुक के अंदर कवर किए गए हैं, ठीक है। दोनों बुक दोस्तों बीपीएससी बिहार शिक्षक के लिए है और दोनों बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक से आप थ्योरी प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कीजिएगा, इस बुक से प्रैक्टिस आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम पहले सेल्फ स्टडी गाइड जो है सामाजिक विज्ञान का है किरण पब्लिकेशन का, उसका MRP दोस्तों देख लेते हैं। तो ₹325 MRP है और बुक का कोड दोस्तों देख लीजिएगा 4306। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ पेज के बारे में बात करें तो 384 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। दूसरा बुक दोस्तों प्रैक्टिस सेट है सामाजिक विज्ञान का ही क्लास 9 और 10 के लिए, ₹275 MRP है और नंबर ऑफ पेज आपको 288 देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा पहले बुक के बारे में, तो सबसे पहले आपको विषय सूची में क्लास 9 के इतिहास में जैसे इतिहास दिया हुआ है, भूगोल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद राज्य नीति शास्त्र दिया, अर्थव्यवस्था दिया है, तो इसमें क्लास 9 फिर 10 इतिहास में, क्लास 9 और 10 भूगोल में, क्लास 9 और 10 इसी तरह से आगे आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद आपको बताया गया है कि इस एग्जाम को किस तरह से निकालेंगे, सारे एग्जाम के मतलब इस एग्जाम के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट जानकारी है सारा कुछ आपको शुरुआत में यहाँ बता दिया गया है। क्या सिलेबस है, क्या कॉमन है दोनों सिलेबस में, NCERT और SCERT में सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको दोस्तों पहले वाले बुक में जो सेल्फ स्टडी गाइड है उसमें आपको कम्प्लीटली आपको थ्योरी आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ थ्योरी आपको कवर किया गया है, ठीक है, इजी लैंग्वेज में। और किरण पब्लिकेशन के जो बुक होते हैं दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा शानदार बुक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको आगे चलेंगे तो आपको MCQ क्वेश्चन भी, जैसे ये टॉपिक खत्म होगा MCQ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ लास्ट में 114 पेज में इतिहास का MCQ है, तो चलिए हम पेज नंबर 114 निकाल लेते हैं, 114 पेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इतिहास की दुनिया हो जाएगा जिसमें अध्याय 1 हो जाएगा, अध्याय 2 हो जाएगा, अध्याय 3 हो जाएगा, अध्याय 7 हो जाएगा, सारा कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। इतिहास की दुनिया अध्याय 1 हो जाएगा, ठीक है, अध्याय 2 हो जाएगा, सारा कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ देखने को मिलने वाला है। अध्याय 5 हो जाएगा, अध्याय 7 हो जाएगा, समकालीन भारत 1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों, इस बुक को आप ले सकते हैं। भारत का भौतिक इतिहास हो गया, फिगर आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर और बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। बुक दोस्तों आप लीजिए, बुक में कोई कमी नहीं है, बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार है, ठीक है। और इस बुक को ज़रूर आप परचेज कीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये सेल्फ स्टडी गाइड हो गया जिसमें आपको चैप्टर वाइज MCQ भी देखने को मिलेगा। दूसरा बुक दोस्तों आपको प्रैक्टिस वर्कबुक देखने को मिलेगा जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों इस बुक में शुरुआत में बेसिक जानकारी आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले जो NCERT और SCERT में जो टॉपिक है उनको कवर किया गया, जैसे इतिहास हो गया क्लास 9 का, फिर क्लास 10 का इतिहास हो गया, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, उसके आंसर की आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको सेट्स आपको देखने को मिलेंगे MCQ क्वेश्चन के बाद, तो इस बुक में भी एक एक MCQ क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम सेट्स की तरफ चलते हैं, यहाँ पे पेज नंबर 65 में चलते हैं। तो पेज नंबर 65 हम निकालते हैं यहाँ पर और मैं आपको दिखाता हूँ सेट्स आपको किस तरह से देखने को मिलने वाला है। पेज नंबर 65, ठीक है, यहाँ दोस्तों देखिएगा प्रैक्टिस सेट 1 जिसमें सामाजिक विज्ञान के पहले 80 क्वेश्चन और सामाजिक विज्ञान में इतिहास हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको भूगोल देखने को मिल जाएंगे, भूगोल के बाद अर्थव्यवस्था देखने को मिल जाएंगे, अर्थव्यवस्था के बाद राजनीति शास्त्र आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, उस हिसाब से आप तैयारी कर पाइएगा। और बाद में आपको सामान्य अध्ययन देखने को मिल जाएंगे। इस बुक का दोस्तों मैंने डिटेल में रिव्यू किया तो उसे भी जाके आप दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ 120 क्वेश्चन देने के बाद उनका आंसर की दिया हुआ है 120 क्वेश्चन का और डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बुक दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है, इस बुक को दोस्तों ले सकते हैं, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। 120 क्वेश्चन, 120 के 120 क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है।
और बुक को आप लीजिए दोस्तों, बुक में कोई कमी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और ये दोनों बुक है दोस्तों सामाजिक विज्ञान की, किरण पब्लिकेशन का। एक है कंप्लीट स्टडी गाइड है जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, दूसरा बुक आपको प्रैक्टिस वर्कबुक है, इससे आपका बेहतरीन तैयारी होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों बुक को ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से ले सकते हैं। और कोई भी मन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।